आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के कामकाज को रफ्तार दे रही है। इसी कड़ी में यूपी सरकार के विजन को लेकर आज से विभागीय प्रेजेंटेशन शुरू होगा। सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन रखा जाएगा और कार्ययोजना के बारे में बताया जाएगा। आज कृषि विभाग के अधिकारी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर मंत्रिपरिषद के सामने सेक्टर वार विभागीय प्रेजेंटेशन शुरू होगा। कार्ययोजनाएं तैयार करने में विभागों को आर्थिक विकास के साथ महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना होगा। विकास के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को 30 मिनट में कार्ययोजना समझानी होगी। तो कुछ इस तरह से जो योगी 2.0 की सरकार है उसका खाका तैयार होगा। जो भी संबंधित विभाग के मंत्री हैं उन्हें अपना प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने रखना होगा कि किस तरह से अब वह कार्य करेंगे, किस तरह से आगे की उनकी कार्य प्रणाली रहेगी, किस तरह का उनका रोड मैप रहेगा और किस तरह से जो पिछले 5 सालों में कार्य हुआ है ये सभी इस प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री के सामने रखना होगा। वहीं यह जो मीटिंग है प्रेजेंटेशन की 5 बजे से शुरू होगी। वही जो प्लानिंग है वो 30 मिनट में संबंधित जो अधिकारी हैं, जो संबंधित मंत्री हैं उनको 30 मिनट में अपनी प्लानिंग बतानी होगी। 100 दिन का एक्शन जो प्रेजेंटेशन है वह आज होना है। आज प्रेजेंटेशन के बाद पता चल जाएगा कि 100 दिनों तक का क्या खाका रहेगा। वहीं इस खबर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, ये जो मीटिंग होनी है 100 दिनों के जो कार्य के खाका है उसमें क्या कुछ अहम हो सकता है और क्या आज यह क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से 100 दिनों तक कार्य अलग अलग मंत्रिमंडल करेंगे? जी दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दूसरी बार शपथ लेने के बाद बड़े ही जोर शोर से काम किए जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे एक संदेश देना चाहती है कि जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उसे हम सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। इसी क्रम में एक निर्देश आया था कि 100 दिनों के अंदर सभी विभागों को अपने काम के खाकों को तैयार करना होगा, जिसमें शिक्षा विभाग ने कहा था कि हम 100 दिनों में 10,000 रोजगार देंगे। वही चिकित्सा विभाग ने कहा था कि हम सभी 75 जिलों में 100 बेड का अस्पताल को पूरा सुसज्जित ढंग से तैयार करेंगे। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विभागों को एक निर्देश दिया गया, साथ ही साथ जो मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र है उनकी तरफ से पत्र के माध्यम से सभी विभाग के प्रमुख सचिवों को एक नोटिस गया कि आप अपने विभाग के जो 100 दिन का आप लक्ष्य रखे हैं उसमें आप क्या करेंगे। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री के सामने कृषि विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव एक प्रेजेंटेशन देंगे। इस दौरान उनके साथ समक्षित मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र होंगे। इस प्रेजेंटेशन में 30 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री के समक्षित जो आने वाले 100 दिन है उसके लिए काम के खाके बताए जाएंगे और प्रेजेंटेशन में जो काम किया जाएगा साथ ही साथ जो 100 दिन का लक्ष्य है उसके लिए चर्चा भी होगी और इस प्रेजेंटेशन को सचिव एवं प्रमुख सचिव देंगे। जी तसला, अगर बात किया जाए प्रेजेंटेशन की उसके साथ साथ एक चीज और विभांशु जो इस मीटिंग के सामने निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जो मुख्यमंत्री है उनके समक्ष पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो भी कार्य किया गया वो भी रखा जाएगा। तो क्या इससे यह आशंका लगाया जा सकता है कि पिछली बार से इस बार बेहतर पद्धति और बेहतर तरीके से कार्य योजना लाया जा सकता है? जी प्रश्न बेशक है, ऐसा पिछली सरकार में आपने देखा कि किस तरह के काम हुए और किस तरह के मैनिफेस्टो में जो चीजें लिखी थी, जो संकल्प पत्र में लिखी थी वो कितना पूरा हुआ। मगर इस सरकार में अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में दिए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी अपेक्षा किसानों की है, जिनसे 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए किए गए थे। हर दिन आपको बता दें तुसला कि हर एक विभाग के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विभाग संबंधित जानकारी को मीडिया के लोगों से अब साथ साथ जनता से रूबरू करेंगे। उसी क्रम में जो विभागीय हर एक विभाग के सचिव एवं प्रमुख सचिव हैं उनकी तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और 100 दिन के कामों का खाका जो तय किया गया है उसके बारे में बातें की जाएंगी। वही मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 100 दिन का खाका तैयार करके मंत्री और विभागों के सचिव एवं प्रमुख सचिव उन्हें सौंपे और इसे काम की जिम्मेदारी जो दी गई है वो मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र को दी गई है। दुर्गा प्रसाद मिश्र की मॉनिटरिंग में
ये सारे काम किए जाएंगे। जी तो विपांशु भाई, अगर बात की जाए प्रेजेंटेशन की, तो ये प्रेजेंटेशन 2 घंटे तक चलेगा, 5 बजे से 7 बजे तक। वही 7 बजे से 8 बजे तक एक विभागीय मीटिंग भी रखी गई है, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो योगी सरकार 2.0 है पूरी तरह से एक्शन में है? आते ही उसने बदमाशों और गुंडों पर भी चौबुक चलाना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, या फिर जो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा उसी को लेकर के बातचीत होने वाली है? जी रुस्ल, आपको बता दें कि पहला प्रेजेंटेशन कृषि विभाग की तरफ से दिया जा रहा है, और कृषि विभाग के इस 2 घंटे की प्रेजेंटेशन में आधे घंटे जो सचिव है और प्रमुख सचिव है उनको जो 100 दिन के काम है उसके समक्ष उनके उस विषयों पे आधे घंटे प्रेजेंट करना होगा। इसमें साफ तौर पे मीटिंग के बाद जो एक कृषि विभाग की मीटिंग रखी गई है उसमें साफ तौर पे लोगों की आशंकाएं लगी हुई है कि कृषि संबंधित कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो किसानों के लिए लाभदायक हो, साथ ही साथ कुछ ऐसे योजनाएं जिनको विस्तृत किया जाए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे परियोजनाओं को शुरू किया जाए जो किसान को सीधा लाभ पहुंचा सके। क्योंकि विभांशु, क्योंकि विभांशु जो किसानों, अभी पहला प्रेजेंटेशन कृषि विभाग का होना है, हालांकि चुनाव के दौरान 2022 चुनाव के दौरान कृषि ही एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, किसानी एक बड़ा मुद्दा था, तमाम जो प्रदर्शन हुए थे उसको लेकर, तो क्या कुछ अहम जो योजनाएं हैं वो क्या किसानों के लिए सामने आ सकती है? जी बेशक, अगर बात करें तो जब 2017 से और 2022 की सरकार बनी, तो 2017 सरकार बनते ही सबसे पहले लाखों किसानों का किसान कर्ज माफी के द्वारा एक राहत पहुंचाई गई थी। उसी क्रम में इस बार भी देखा जा सकता है कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसी जो सुविधाएं है किसान को, और साथ ही साथ किसान सम्मान जो केंद्र सरकार से चल रही है उसको विस्तृत करने से लेकर, और ऐसी तमाम किसानों के लिए योजनाएं जो चल रही है, साथ ही साथ कुछ ऐसी जैसे बात की जाए तो छुट्टा जानवरों का मुद्दा विपक्ष चुनाव में उठाता रहा है, तो हो सकता है कि छुट्टा जानवरों को लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं उनके लिए तैयार कुछ ऐसा कर रही हो और उनके लिए जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं और साथ ही साथ नई योजनाओं पे भी बात होगी, और इन सब जो 8 बजे की मीटिंग है उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या ऐसा नया किया जा रहा है। जी बिल्कुल विभांशु, इस मीटिंग और इस प्रेजेंटेशन की मीटिंग पे आप अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि एक अहम मीटिंग होगी, क्योंकि इस मीटिंग में 100 दिनों का जो खाका है वो बताया जाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर गाजियाबाद से है, जहां लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। हैरान करने की बात यह है कि इस बार स्कूली छात्र छात्राओं में कोरोना के लक्षण सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। बता दें बीते 2 दिनों के अंदर गाजियाबाद में 3 अलग-अलग स्कूलों के 9 छात्र छात्राओं में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि गाजियाबाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी कहा है कि स्कूल के अंदर 12 से 14 और 15 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन तेजी से लगाया जा रहा है। जहां एक तरफ बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बच्चों में ज्यादा ये संक्रमण पाया जा रहा है, ज्यादा बच्चे इस बार संक्रमित हो रहे हैं, जिससे अभिभावकों की चिंता भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। अभिभावकों में जो चिंता है वो बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह बच्चों में संक्रमण पाया जा रहा है, संक्रमण की वजह से स्कूल भी बंद कर दिया जा रहा है। काफ़ी दिनों के बाद बच्चे वापस स्कूल जा पाए थे, बच्चों का स्कूल वापस जाना शुरू हुआ था, जो परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही थी वो परीक्षाएं ऑफलाइन होना शुरू ही हुई थी कि फिर से कहीं ना कहीं कोरोना के नए मरीज आना, नए संक्रमित मिलना एक चिंता को बढ़ा रहा है कि कहीं अभी तक हमारे पास में 9 बच्चों की सूचना है, और बाकी स्कूलों में और उनके कांटेक्ट पे घर पे टेस्टिंग और सुविधा चल रही है, और कांटेक्ट टेस्टिंग भी कराई जा रही है। उनके सारे बच्चे को टेस्ट कराएंगे, उनके कांटेक्ट जितने भी वो टेस्ट होंगे और सैनिटाइजर्स के निर्देश दिए जाएंगे। स्कूलों में टेस्टिंग की बात करें तो किस तरह से टेस्टिंग की जाएगी? जैसे ही अभी तो जो भी बच्चे मिल रहे हैं उनके कांटेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं उनके घर उसके आसपास, और जैसे ही स्कूल ये लोग कुछ स्कूल बंद कर दिए गए, जैसे स्कूल खुलेंगे तो उनको फिर भी टेस्ट करेंगे। सैटरडे को हमारे स्कूल में साइटेशन सेरेमनी थी 12वीं के बच्चों की, और एक ग्रुप ऑफ बच्चों का, आई थिंक हमें थैंक यू बोलना चाहिए, पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, उनका मैसेज आया, उनका आया कि बच्चे को कोविड है। तो आई थिंक एज अ स्कूल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यू नो, और जो भी गवर्नमेंट का भी आदेश है, और आई थिंक एक ये फैलता बहुत जल्दी है, तो हमने इसीलिए रात को मिडनाइट, 4 दिन छुट्टी है, तो उस 4 दिन में हमारे पास
काफ़ी समय होगा कि हम पूरा कम्प्लीटली सैनिटाइज कर दें और हमें क्या कंडीशन है गाजियाबाद में वो भी पता चल जाएगी जिससे वी कैन टेक अ कॉल। संवाददाता प्रवीण हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरह से लगातार बहुत ही तेजी से बच्चों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है बच्चों के वैक्सीनेशन की, उसके बाद भी जिस तरह से लगातार बच्चों में यह संक्रमण पाया जा रहा है, बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, यह कितनी चिंता बढ़ाती है अभिभावकों की और कितना असर डालेगी इनकी शिक्षा पे? देखिए, आपको बता दूं, जब से गाजियाबाद में जिस तरह से कोरोना के बच्चे जो पेशेंट निकले थे स्कूल में, जब से ही लगातार एनसीआर समेत दिल्ली में भी अब बच्चे निकलना लाजमी हो गए हैं, क्योंकि अभी भी हमारी एक रिपोर्ट थी जयपुरिया में जो बच्चे निकले थे, उसके बाद हमने सीएमओ से बात की, सीएमओ की बाइट भी की और सीएमओ ने खास तौर पे बताया है जितने भी अगर जो कोरोना से पॉजिटिव बच्चे निकल रहे हैं उनको एहतियातन उनको पूरा इलाज दिया जाएगा, साथ ही जो बच्चे अभी जो पढ़ रहे थे उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि गाजियाबाद में लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव बच्चे या और भी लोग निकल रहे हैं, ये काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो चौथी लहर थी, आपको पता होगा कि जो चौथी लहर थी उसकी भी संभावना जताई जा रही थी किसी तरह से, तो कहीं ना कहीं वो चौथी लहर की संभावना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा बम विस्फोट ना बन के निकले, तो इस पर भी काफी चिंता जता रहे हैं जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं, या बात करें यहाँ के जो सीएमओ हैं वो भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। जी, अगर बात किया जाए प्रवीण स्कूली बच्चों के, तो जिन स्कूलों में बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं, किस तरह से प्रिकॉशन लिया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग इस पे किस तरह के एक्शन ले रहा है कि जो बाकी बच्चे जो अभी सुरक्षित है संक्रमण उनके तक ना पहुंचे? देखिए, बिल्कुल, जो शिक्षक जो हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या जो अभिभावक हैं वो खास तौर पे अपने बच्चों को बिल्कुल सलाह बिल्कुल ले रहे हैं, सीएमओ से सलाह ले रहे हैं और डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि बच्चों की, खास तौर पे बच्चों की बात है, बच्चे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो पावर होती है बच्चों की थोड़ी मजबूत मानी जाती है कहीं ना कहीं, और जो बुजुर्गों की इम्यूनिटी पावर होती है कहीं ना कहीं कमजोर होती है, तो इसको लेकर खास तौर पे बच्चों में जो संक्रमण पाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चे रिकवर कर भी रहे हैं, कुछ बच्चों की रिकवरी भी हो रही है साथ ही, लेकिन जो इस समय का जो ये वायरस आया है कोरोना का जो ये एक वेरिएंट आया है, इस वेरिएंट को लेकर काफी चिंताजनक है, क्योंकि इसमें जो लक्षण पाए जा रहे हैं कुछ थोड़े पहले से अलग हैं, इसमें कुछ जो पहले जो लक्षण पाए जाते थे उससे कुछ अलग है, अलग निकल के आ रहे हैं। जो हमने सीएमओ से हमने बातचीत की तो उन्होंने इस चीज में बताया कि कुछ जो अब लक्षण जो आ रहे हैं वो पहले के मुकाबले थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल प्रवीण, वही अगर बात की जाए कोरोना टेस्टिंग की, तो जो टेस्टिंग है उसकी प्रक्रिया किस तरह से चल रही है और बाकी जो बच्चे सुरक्षित हैं उनकी कितनों की टेस्टिंग हो चुकी है कि ये स्पष्ट हो जाए कि जो बाकी के बच्चे उनमें अभी तक संक्रमण नहीं फैला है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको, जिस तरह से जो स्कूल का प्रबंधक था, प्रबंधक ने बकायदा सभी सीएमओ से टच में हैं, वो लोग जितने जिस स्कूल में बच्चे अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन स्कूलों के जितने भी प्रबंधक हैं सभी लोग सीएमओ के टच में हैं और सीएमओ से बराबर उनसे बातचीत भी हो रही है, उनको सलाह भी दी, एक लिस्ट बना के दी जा रही है बच्चों की कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके टेस्टिंग की जाए, लगातार उनको चेक किया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि वायरस का संक्रमण उन बच्चों को भी फैल जाए, कि ऐसा अगर ये वायरस फैलता है, अगर बच्चों के अंदर ये वायरस फैल जाता है तो ये जो संख्या है ये संख्या कहीं ना कहीं बढ़कर काफी आगे बढ़ सकती है और उससे काफी बड़ा मामला भी निकल कर सामने आ सकता है कि बच्चों की जो कोरोना पॉजिटिव बच्चे पाए गए हैं उनकी तो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है, लेकिन जो बच्चे हुए हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जिनको ऑनलाइन क्लासेस ही करनी है, उन बच्चों की भी लगातार टेस्टिंग लगातार बढ़ रही है। जी जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। आप उस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें क्योंकि कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और जिस तरह से लगातार अभी लक्षण बच्चों में देखे जा रहे हैं अभिभावकों की भी खासा परेशानियों को बढ़ा रहा है। महाराजगंज के धानी विकास खंड के कमनाहा पुरंदरपुर प्राथमिक विद्यालय में विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए शासन के आदेश पर कायाकल्प अभियान चलाने के बाद भी जिले के ज्यादातर विद्यालयों की तस्वीर नहीं बदल सकी है। कहीं मिड डे मील में गड़बड़ी मिल रही है तो कहीं स्कूलों से बाउंड्री और शौचालय गायब है। जहां एक तरफ इस योजना के तहत विद्यालयों की तस्वीर सुधरनी थी लेकिन अधिकारियों और जिम्मेदारों की लापरवाही से स्कूल की स्थिति बदहाल है जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री का योजना, मुख्यमंत्री का जो सपना है कि सभी जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएं अपनी शिक्षा को पूरी करें,
और उनके इसी सपने को पूरी तरह से पलीता लगाता हुआ प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ स्कूलों की कायाकल्प सुधारी जा रही है, मिड डे मील जो है उसको बेहतर किया जा रहा है ताकि बच्चों को बेहतर पोषण मिल सके अच्छी शिक्षा के साथ, वहीं साथ साथ आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है वो विद्यालयों के बने हुए हैं। शौचालय के बाउंड्रीज नहीं है, तो कहीं अगर देखा जाए तो सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम सवाल इसमें उठ के आता है वो यह आता है कि तमाम योजनाओं, तमाम बड़े बड़े दावे और वादों के बाद भी जो विद्यालय है उनकी जो सुविधाएं हैं वो मौजूद नहीं है, उनके हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या क्या मिलता है स्कूल में खाने के लिए, आज क्या क्या मिला है आप लोग को? सब्जी रोटी और सब्जी दाल नहीं मिला है? नहीं। सब्जी किस चीज का था? सोयाबीन आलू था। मौसम्मी का फल नहीं मिला है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अजय महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जो तमाम तरह की योजनाएं हैं स्कूली बच्चों के लिए आती है उसका कोई भी फायदा बच्चों को नहीं मिल रहा है, ऐसे में वहां के जो टीचर हैं, वहां के जो शिक्षक हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब टीचर से इस मामले को लेकर बात किया जाता है तो टीचर कहते हैं इस मिड डे मील का जो ग्राम प्रधान कहीं चलाते हैं, कहीं पे प्रधानाध्यापक चलाते हैं, इन दोनों की मिली भगत से मिड डे मील बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। जी, वही अजय, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के सपने का, तो मुख्यमंत्री का जो सपना है कि हर घर का बच्चा शिक्षित हो, पोषित हो, जिसको लेकर तमाम कई तरह की जो योजनाएं हैं वो सामने लाई गई हैं बच्चों के लिए, उनके मिड डे मील को लेकर, उनके जो स्कूल के हालात उसको सुधारने को लेकर, इस पे जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने, उनका क्या कुछ कहना है कि किस तरह से वो जो मुख्यमंत्री के सपने हैं उस पे पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं? जी, जब मैं उच्च अधिकारी से इस मामले को लेकर अवगत कराया तो उच्च अधिकारी जी ने कहा कि इस मामले से मुझे जानकारी नहीं है, अगर जैसे मैं आप जानकारी प्राप्त किया हूँ मैं आकर उचित कार्रवाई करने का कार्य करूंगा। जी, वहाँ के जो बच्चों के अभिभावक है, बच्चों के जो माता पिता है, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? बच्चे के अभिभावकों से मेरा बात हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे केवल मिड डे मील में मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिलता है, सातों दिन खिचड़ी मिलता है, यहाँ पे ना फल दिया जाता है ना ही दूध दिया जाता है, अभिभावक जाके प्रधानाचार्य से शिकायत करते हैं, क्योंकि शिकायत करने के बाद भी प्रधानाचार्य कुछ नहीं करते, वही खिचड़ी बनाया जाता है मिड डे मील में। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय। अब देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई जिम्मेदार इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ बच्चे भविष्य कहे जाते हैं, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी शिक्षा को लेकर किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यह आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्कूलों के हालात आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चुनाव के दौरान तमाम बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं लेकिन हालात कुछ और बयां करते हैं, तस्वीरें कुछ और बयां कर सकती हैं। आप ये साफ देख सकते हैं कि किस तरह से शौचालय की हालत खराब है, विद्यालयों की हालत खराब है, वहीं मिड डे मील का कोई भरोसा ही नहीं है, मिड डे मील का कोई ठिकाना ही नहीं है। जनपद गाजीपुर के गहमर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तालाब में हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। दरअसल गांव में कुछ युवक मछली मारने के लिए कांटा लगाए थे और जब उन्होंने कांटे को बाहर निकाला तो उसमें मछली के बजाय हैंड ग्रेनेड फंसा हुआ था, जिसके बाद स्थानीय ने हैंड ग्रेनेड को गंभर पुलिस के हवाले किया। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि इस बात की जानकारी उन्हें गहमर के इंस्पेक्टर के द्वारा मिली है और यह जंग लगा हुआ बताया जा रहा है, संभवतः डमी हो सकता है, इसकी जांच कराई जा रही है। हैंड ग्रेनेड मिलना एक तरह से परेशानी बढ़ा दिया है, वहां के लोगों को मछली मार रहे थे युवक जिन्हें यह हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। वही प्रशासन का कहना है कि संभवतः ये डमी हो सकता है, इसकी जांच कराई जा सकती है, अब यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या कुछ मामला है, यह डमी हैंड ग्रेनेड है या फिर किसी साजिश के तहत इस हैंड ग्रेनेड को यहां पर रखा गया था। देखिए, ये जो गहमर में हैंड ग्रेनेड मिलने की आप बात कर रहे हैं उसका मैंने इंस्पेक्टर से बात किया है,
ये बहुत पुराना, इसमें जंग लग गई है, इसमें एक लड़का मछली पकड़ रहा था तालाब में, तो वहीं तालाब से ये मिला हुआ है, तो उसको ला करके थाने में दे दिया गया है। हमने थाने में ज़मीन के अंदर उसे ढक दिया है और अब हम बम स्क्वाडल डिस्पैच को इसकी सूचना दे रहे हैं, पर देखने में ही लग रहा है कि ये बहुत पुराना है और ये बिल्कुल डमी है। सर क्या लगता है कैसे वहाँ पहुँचा होगा, डमी भी है तो कैसे पहुँचा कुछ सब? अब देखिए अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन मेरा अनुमान है कि गहमर में बहुत सारे लोग मिलिट्री में हैं, तो ये अपना लाए होंगे किसी दिखाने के लिए, है वो डमी ही। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गाजीपुर से पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, किस तरह से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ और युवाओं का क्या कुछ कहना है कि किस तरह से उन्हें हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ? जी हम आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार रोज की भांति गहमर गांव है जहां पे कुछ बच्चे मछली मारने जाते हैं। आज ही उन्होंने मछली मारा जो है उस पोखरी में, तो उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई दी जिससे वो काफी डर गए। फिर स्थानीय लोगों को उन्होंने सूचना दी, जिसपे वो लोग आए और पास के पुलिस कोतवाली में जो है ग्रामर इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दी। उसके बाद ग्रामर इंस्पेक्टर ने वहां पहुंचकर बम को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद अब प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है और किस तरह से पता लगा रही है कि ये ग्रेनेड सिर्फ डमी है या फिर उसको रखा गया है किसी साजिश के तहत? जी हम आपको बता दें कि गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है और यहां पे लगभग इस गांव में ज्यादातर फौजी ही, हर एक घर में आपको फौजी मिलेंगे जी। और ये बिहार से थोड़ा, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी एक गहमर गांव आता है जो बिहार से काफी सटा हुआ है, तो हो सकता है किसी फौजी का हो या किसी मिलिट्री वाले का हो, जिसने जैसे प्राप्त जानकारी के अनुसार इसको डमी बताया गया है। लेकिन फिर भी पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि बम डिस्पोजल को इसकी सूचना दी गई है और जांच के बाद ही इसका कुछ पता चल पाएगा। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।